एसीपी गोविंद शर्मा और इंस्पेक्टर चंद्रिका और अमूल त्यागी और इंस्पेक्टर रविंदर जोशी, इन्होंने इनकी टीम ने दो लोगों को कल एक शूटआउट के बाद अरेस्ट किया। ये कल शाम का इंसिडेंट है जो झील पार्क वेलकम के पास में हुआ था। एक ब्रीफ शूटआउट हुआ जिसमें पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई थी। जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दो लोग गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम है शाह फैसल अलियास अनस, 21 साल का है। दूसरे का नाम है दानिश सन ऑफ अफजल, ये 20 साल का है। इनके पास से एक 32 बोर का पिस्टल विद 4 कार्ट्रिजेस ये अनस के पास से मिले हैं और एक 315 का कंट्री मेड पिस्टल विद 3 कार्ट्रिजेस ये मिले हैं दानिश के पास से। इनकी कहानी यह है कि ये पुलिस कस्टडी में एक एक्यूज्ड है फरमान अलियास नन्ने, जो पीएस वेलकम में एक मर्डर केस में बंद है, उसको ये पुलिस कस्टडी में मारने वाले थे। और इनका प्लान था कि जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से स्टेप आउट करता है मेडिकल वगैरह कराने के लिए, तो ये पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद में जहां और हॉस्पिटल जहां इनको कन्वीनियंट हो वहां उसको मारने का इन्होंने प्लान बनाया था। बाकायदा स्पॉटर्स लगा दिए थे। हमें कल सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, टीम को हमारी इन्फॉर्मेशन मिली थी और टीम ने एक्सपेक्ट किया। शाम को बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये किस आदमी को मारने वाले हैं। सुबह तो इन्फॉर्मेशन थी कि ये किसी को मारने वाले हैं, शाम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये फरमान अलियास नन्ने को मारने वाले हैं। इस इंसिडेंट में जब शूट आउट हुआ था तो दो लोग, इसका एक भाई अमान है ये वहां से भाग गया, अमान और एक और कोई आदमी था जिसको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये शूट आउट में ये लोग भी थे पर वो भाग गए थे वहां से। ये दो लोग पकड़े गए हैं।